तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को यमुनानगर के जगाधरी में प्रगति रैली को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर को करोड़ों की लागत से कई बड़ी सौगात दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करीब 334 करोड़ रुपए की लागत से कई परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास भी किया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार को यमुनानगर के जगाधरी पहुंचे, जहां सीएम ने प्रगति रैली को संबोधित किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने अपने मंच से यमुनानगर को करोड़ों की लागत से कई बड़ी सौगात दी। इस अवसर पर सीएम ने हरियाणा में प्लाईवुड उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ रुपए की लागत से पहला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने को लेकर भी घोषणा की। तो वहीं मुख्यमंत्री ने लगभग 334 करोड़ रुपए की लागत से कई परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास भी किया। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। यमुना नगर में 400 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज। 50 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा प्रदेश में पहला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। सधौरा में 10 बेड के अस्पताल को 50 बेड में किया जाएगा अपग्रेड। गांव किशनपुरा में 14 एकड़ जमीन पर बनेगा नया कॉलेज। फारुकपुर स्कूल को मॉडल संस्कृति स्कूल में किया जाएगा अपग्रेड। प्रत्येक जिले के हर ब्लॉक में 50 से 100 एकड़ में बनाया जाएगा एक औद्योगिक क्लस्टर। यमुनानगर के चारों विधानसभा क्षेत्र के लिए कई विकास कार्यों की सौगात। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस बार गेहूं का उत्पादन कम हुआ है और गेहूं के सीजन में इस बार खूब निर्यात भी किया गया है, इसलिए देश में गेहूं का संकट न आए। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है। उन्होंने ये भी कहा कि देश के हर एक गरीब व्यक्ति को अनाज मिले, इसके लिए केंद्र सरकार के निर्णय के अनुरूप हरियाणा में 10 दिनों के लिए फिर से गेहूं की खरीद की जाएगी, जो कि 16 मई से आरंभ हो जाएगी और 25 मई तक चलेगी। किसान अपना गेहूं बेचना चाहता है वो मंडियों में आ सकता है। केंद्र सरकार ने कल एक निर्णय लिया है कि हम अपने देश के किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं रहने देंगे, उसकी भूख की कीमत पर हम गेहूं एक्सपोर्ट करें, दूसरों की सेवा करें, यह नहीं हो सकता। इसलिए कल के शाम के निर्णय के से मैं आपको अवगत कराता हूं, गेहूं का जो एक्सपोर्ट है, निर्यात है, ये बंद कर दिया है। ये बंद कर दिया है, केवल अपने देश के लोगों को गेहूं पहुंचना चाहिए। और उसके कारण से अभी हमारी मंडियां ये बंद हो गई थी, खरीद इसमें बंद कर दी थी, लेकिन कल से ये मंडियां गेहूं की खरीद के लिए 10 दिन के लिए फिर खोली जा रही। 25 मई तक जिन्होंने गेहूं बेचना है अपना, ये मंडियां फिर से खुलेंगी, एफसीआई फिर खरीद करेगी, ये एक जानकारी मैंने आपको देनी। मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है और भ्रष्टाचार करने वाला चाहे कोई नेता हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो या कोई व्यक्ति जो गलत काम कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम करे, उनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि हरियाणा में भ्रष्टाचार का काल है मनोहर लाल। भ्रष्टाचार को कैसे रोकना है, ये हमारी प्राथमिकता है। भ्रष्टाचार करने वाला चाहे कोई नेता होगा, चाहे कोई अधिकारी होगा, कर्मचारी होगा, या जनता में जो लोग ऐसे हैं गलत काम करके अपना फायदा उठाते हैं, उन सबको भी रोकना होगा। तो भ्रष्टाचार जैसी बीमारी, यानी कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार के बारे में क्या करने लग गए, जगह जगह भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार इससे पहले बहुत था, लेकिन उनकी आदतें क्या थी, भ्रष्टाचारी के साथ मिल जाना, ना कुछ करना, उनको पकड़ना, ना खुद कुछ करना, चोर चोर मोसेरे भाई ऐसे होते थे, समझौता करते थे, किसी को पकड़ते नहीं थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की ओर से हर ब्लॉक में 50 से 100 एकड़ में एक औद्योगिक क्लस्टर बनाने की योजना है, ताकि नौजवानों को रोजगार के अवसर मिले। यमुनानगर के 5 खंडों में 5 क्लस्टर बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 7 सालों में राज्य सरकार ने सभी क्षेत्रों में बिना भेदभाव के समान रूप से विकास कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरस्वती नदी के पुनरुद्धार की परियोजना भी शुरू की गई है। इसके तहत 2 बांध बनाए जाएंगे और 1 बांध बद्री भी बनेगा, जिससे पानी की अविरल धारा सरस्वती नदी में बहेगी। इसी तरह लोहागढ़ में बाबा बंदा सिंह बहादुर का बहुत बड़ा स्मारक बनाने की भी योजना बनाई गई है, जिसके लिए जमीन ले ली गई है और जल्द ही स्मारक का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार गरीबों की चिंता करने वाली सरकार है और सभी सरकारी योजनाओं का लाभ गरीब परिवारों के घर द्वार पर पहुंचे, इसके लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत 1,80,000 रुपए से कम आय वाले परिवारों को सभी तरह की योजनाओं का लाभ अब घर बैठे मिल रहा है। लोगों को बीपीएल कार्ड और वृद्धावस्था पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। उन सभी परिवारों को योजनाओं का लाभ घर बैठे मिल रहा है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि गरीब परिवारों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने के लिए, उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करवाने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत प्रदेश में 570 मेले लगाए गए। इन मेलों के दौरान 42,000 लोगों को स्वरोजगार के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया गया है। सरकार का लक्ष्य 1,00,000 लोगों को स्वावलंबी बनाना है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि लड़कियों के लिए हर 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज बनाया गया है, ताकि शिक्षा ग्रहण करने के लिए बेटियों को अधिक दूरी तय न करनी पड़े। इसके अलावा छात्रों को शिक्षा के साथ साथ हुनर भी सिखाएंगे, ताकि वो काम करने योग्य बन सके। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि राम राज्य में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता और सबको समान मानकर सबका विकास किया जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा का भी बिना भेदभाव के समान रूप से विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले पॉपुलर का मूल्य 250 से 300 रुपए प्रति क्विंटल था, लेकिन वर्तमान सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म किया, जिसके चलते आज पॉपुलर का मूल्य 1400 रुपए प्रति क्विंटल है, जिससे लकड़ी की खेती करने वाले किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। इस अवसर पर सांसद रतनलाल कटारिया, यमुनानगर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार कृष्ण वेदी और मेयर मदन चौहान सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए पवन सीवर की रिपोर्ट।